वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों, एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा आप सभी जान रहे साथियों, बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर 178,000 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होनी है और परमानेंट टीचर की भर्ती होनी है। इसकी नियुक्ति बीपीएससी के माध्यम से होनी है। तो बीपीएससी लगातार इस काम को काफ़ी तत्परता के साथ और काफ़ी तीव्र गति से कर रही है। इसी क्रम में अभी जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बीपीएससी बहुत जल्द सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जारी कर देगी। तो सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न जारी हो गया है, ये रिलीज कर दिया गया है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीपीएससी टीचर वैकेंसी के सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, जो कि बीपीएससी एग्ज़ाम को कंडक्ट करेगी। इसी वैकेंसी में एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा और इसका सिलेबस क्या है। इसके साथ ही यहाँ पर आपको पता होगा कि तीन स्तर पर टीचर की नियुक्ति होगी। पहला प्राथमिक, जहाँ 1 to 8 का एक वर्ग होगा, एक वर्ग आएगा। दूसरा आपका आपको 9 10 9 10, ये दूसरा वर्ग होगा टीचर का। तीसरा हो गया 11 और 12, ये टीचर का तीसरा वर्ग है। यानी तीन टाइप की वैकेंसी आएगी। तो बहुतों के मन में सवाल था, एक ही एग्ज़ाम होगा या अलग अलग एग्ज़ाम होगा, क्या इससे सिलेबस रहेगा। तो सब कुछ हम लोग जानेंगे आज, सब कुछ स्पष्ट कर दिया गया है। पहला कि तीनों का सिलेबस अलग होगा, तीनों जो टीचर है, तीन टाइप के, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तीनों का सिलेबस अलग अलग, एग्ज़ाम पैटर्न अलग अलग, एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा, एक साथ नहीं होगा। हाँ, अगर आप योग्यता रखते हैं तीनों में अप्लाई करने का, तो आप तीनों में अप्लाई करें और तीनों तरह के एग्ज़ाम को दें। एग्ज़ाम आपका लड़ेगा भी नहीं, क्योंकि सबका अलग अलग एग्ज़ाम डेट आपके यहाँ पर ओवरलैप भी नहीं होने वाला है। तो चलिए देखते हैं। पहला है, यहाँ पे आप देखें, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि, कुल अंक, और यहाँ पे अभियुक्ति में डाला गया किसके लिए है। यहाँ पे भाषा जो है, भाषा पेपर रहेगा, लैंग्वेज पेपर, जो कि प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और इसका अंक भी कितना रहेगा, 100। यानी प्रत्येक प्रश्न पे आपका कह सकते हैं कि एक अंक दिया जाएगा। बताते चले कि नेगेटिव मार्किंग बीच में रहेगा, पहली बार शामिल किया गया है। और जो 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसके दो भाग हैं। पहला भाग वन होगा 25 प्रश्न का, दूसरा भाग टू होगा 75 प्रश्न का। तो जो भाग वन होंगे, भाग वन अंग्रेजी भाषा के लिए होगा, अंग्रेजी भाषा। और भाग टू आप जिसको चुनेंगे, कौन सी भाषा है, हिंदी, उर्दू, बंगला, तीनों में से किसी एक को आपको चुनना है, किसी एक भाषा का चुनाव करना है। और यह है यहाँ इस पत्र का जो है अर्हता अंक, कम से कम 30% क्वालिफाई करने का, 30% कम से कम लाना होगा। और ये है किसके लिए, ये सभी के लिए, ये पेपर जो है सबके लिए है, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक। यानी आप प्राइमरी टीचर बन रहे हैं, या मिडिल बन रहे हैं, या हाई स्कूल बन रहे हैं, या प्लस टू बन रहे हैं, ये पेपर सबके लिए है। यानी ये ऑल हो गया, ऑल लैंग्वेज पेपर सबके लिए हो गया, ऑल 100 नंबर का, सभी को इसका एग्ज़ाम देना है, चाहे आप किसी भी स्तर का टीचर बन रहे हैं। अब दूसरा है, देखिए, समान अध्ययन, जीएस का यहाँ पे एग्ज़ाम डाला गया है। जीएस में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 घंटे का समय रहेगा और पूर्णांक भी 150 है, यानी प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। यहाँ क्या लिखा, देखिए, प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए यह जो पेपर होगा, सिर्फ प्राइमरी स्कूल में जो टीचर बनेंगे उनके लिए है। और इस जीएस में क्या क्या प्रश्न रहेंगे, गणित, मानसिक क्षमता, रीजनिंग, समान जागरूकता, समान विज्ञान, समान सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण। ये सारे किस लेवल के रहेंगे, 1 to 8 लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे गणित भी पूछा जाए, चाहे भूगोल पूछा जाए, चाहे पर्यावरण, राष्ट्रीय आंदोलन, ये सभी क्लास 8 तक के जो सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग, इसी के लेवल का प्रश्न आएगा। यहाँ पे लिख भी दिया गया, समान अध्ययन पत्र के प्रश्न प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। यानी अगर आपको तैयारी करनी है, तो यहाँ पे कीवर्ड छोड़ा गया है ना, प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम, तो आप जल्दी से
बिहार के जो प्राथमिक विद्यालय हैं उनके पुस्तकों का जुगाड़ कर लें। 1 से 8 तक आप सभी पुस्तकों का अच्छे से पढ़ लें, इसका नोट्स बना लें। अलग अलग जो बुक है उनका अलग अलग आप नोट्स बना लें, क्योंकि मेनली क्वेश्चन यहीं से आएंगे, है ना। यह 7 साल का प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से समझोगे, लेकिन इसका उत्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। लेकिन इसका जो स्तर है, लेबल अच्छा रहेगा। आप ये नहीं कि बिल्कुल जैसे बुक में प्रश्न को पूछा गया और आंसर दिया गया वैसे ही वहीं से प्रश्न आंसर को उठा लिया जाएगा, नहीं। मेन आपका वो रहेगा, इसके इर्द गिर्द आपको तैयारी कर लेनी है, इसी के आगे जो दिया गया उसके साथ पीछे थोड़ा उसी में कह सकते इनलार्ज कर लेना है सिलेबस को, क्योंकि लेबल बिल्कुल बच्चे वाला तो नहीं रहने वाला है। जिस प्रकार बच्चों को समझाने के लिए बिल्कुल छोटे स्तर के प्रश्न वहाँ पे दिए जाते हैं, यहाँ पे वैसा नहीं रहेगा। दूसरा जो है ये हो गया प्राथमिक के लिए। अब देखिए ये जो 3 नंबर पे है, ये 3 नंबर जो एग्ज़ाम के पैटर्न का हम लोग बात करेंगे, या हाई स्कूल के लिए, माध्यमिक विद्यालय के लिए। और शुरू में जो 1 नंबर था वो सबके लिए था, वो तो रहेगा। इसके अलावा जो प्राथमिक वाले हैं उनको 2 नंबर वाले को देख लेना है, और जो माध्यमिक वाले हैं हाई स्कूल वाले उनके लिए भी जो GS का 1 नंबर रहेगा ही, इसके अलावा ये पेपर रहेगा विषय एवं सामान्य अध्ययन। यहाँ पे भी 100 प्रश्न रहेंगे, 100 प्रश्न का 2 पार्ट रहेगा, है ना, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 आपका विषय रहेगा, है ना, आप इसमें से किसी का चुनाव करेंगे, हिंदी, बंगला, उर्दू, मैथिली, भोजपुरी, है ना, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। इसमें से किसी एक को आप चुनेंगे तो 150 प्रश्नों में से 100 प्रश्न किससे रहेंगे, यहाँ पे भाग 1 में चुने हुए। आप जिसको चुनेंगे इनमें से हिंदी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, इन सब में से 100 प्रश्न रहेंगे। भाग 2 में 50 प्रश्न रहेंगे, और 50 प्रश्न ये किससे रहेंगे, ये 50 प्रश्न जो रहेंगे यहाँ पे देखिए समान अध्ययन का पत्र है, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार के निर्धारित न्यूनतम अर्हता कालक में होगा। जो 50 प्रश्न अन्य पूछे जाएंगे उसमें आपका प्राथमिक गणित, समान जागरूकता, समान विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, इन सब चीज़ से मिलाकर आपसे अलग से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका जो लेबल होगा आपका 9 और 10th का बुक आपको ले लेना है। 9, 10th के सरकारी स्कूलों के जो बुक है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको तैयारी करना है। फिर मैं यहाँ कहूँगा जो 9 और 10th के बुक में है उसी को थोड़ा और आपको इनलार्ज करना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जो है ना उसमें प्लस कर देना है, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि स्तर को देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि लेकिन इसका स्तर है ना लेबल जरूरी नहीं है कि बच्चे के हिसाब से पूछा जाए, इसको लेबल को थोड़ा हाई किया जाएगा, लेकिन सिलेबस जितने टॉपिक्स हैं 9, 10 के बुक्स में उससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है, उतने ही टॉपिक को आपको थोड़ा विस्तृत तरीके से पढ़ लेना है। तो चलिए आगे जो अंतिम देखेंगे हम लोग, जो कि उच्च माध्यमिक के लिए होगा, 4 नंबर 3 नंबर तक देख चुके हैं। 4 नंबर ये किसके लिए, उच्च माध्यमिक यानी 10+2 में अगर आप टीचर बनेंगे उच्च माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए, उसके लिए यहाँ पर है। इसमें भी टोटल 150 प्रश्न रहेंगे, यहाँ भी 2 पार्ट रहेगा, 100 नंबर का एक अलग पार्ट रहेगा और 50 नंबर का अलग पार्ट रहेगा। बस उसी के अकॉर्डिंग जिस प्रकार हम लोगों ने 3 नंबर में देखा, भाग 1 एक विषय मात्र होगा जिसमें आपको चुनाव करना है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, जंतु विज्ञान, यानी आपका ऑप्शनल पेपर रहेगा ये। वहाँ पर 100 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑप्शनल से। जब आप ये जो 100 प्रश्न हो गया ये मुख्य रहेगा, इसके अलावा फिर आपका विषय के अलावा जो आप चुनेंगे इसके अलावा फिर GS का भाग 2 रहेगा, जिस प्रकार पिछले बार हमने देखा 3 नंबर पे पेपर 2 रहेगा GS का, सेम उसी तरह, बस इसका लेवल थोड़ा और अप हो जाएगा, लेवल थोड़ा अप हो जाएगा क्योंकि ये +2 के लिए है। तो और सभी प्रश्न जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव होंगे, बहु विकल्पीय होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर। यहाँ देखिए गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, ये भी साफ साफ कर दिया गया है। तो आप देख चुके किस प्रकार एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा 3 स्तर के एग्ज़ाम्स के, और इसके अलावा आपका कैसे सिलेबस को भी आपने देख लिया,
अब हम लोग थोड़ा प्लान करते हैं कैसे इसमें सफलता पाई जाए। सर, सफलता पाने के लिए सबसे बड़ा जो की है, सबसे बड़ा की आप जिस भी वर्ग के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके सरकारी विद्यालय के बुक को आप जुगाड़ कीजिए, नहीं है जीरोक्स कराइए। अगर नहीं होता है तो आप बुक स्टोर जो पटना सब में है वह NCERT का सारांश मिलता है। जितने भी लोग UPSC वगैरह की तैयारी करते हैं वो सारांश को मंगाते हैं, है ना, वहाँ पे 6 to 12 तक के NCERT का सारांश मिलता है। अभी जैसे कि अभी यहाँ पे आपका 1 से लेकर ये 12 तक के टीचर की बहाली है, अभी या कुछ दिनों के अंदर पटना में आपको 1 से 12 तक के बुक का सारांश भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी परचेज कर सकते हैं। नहीं तो मैं कहूँगा आप अगर खुद का नोट्स बना के तैयार करेंगे तो वो और भी अच्छा रहेगा, और वो भी करें और इन सारे बुक्स को भी खरीदें। सबसे मेन तैयारी यही है, बिल्कुल सिलेबस से भटके नहीं, आप निश्चित ही सफल होंगे, क्योंकि पाठ्यक्रम यहाँ निर्धारित कर दिया गया है तो बिल्कुल उसी के अकॉर्डिंग प्रश्न आपका आने वाला है। तो साथियों, ये था इम्पोर्टेंट अपडेट्स और महत्वपूर्ण चीज़ों का डिस्कशन कि हम लोग सिलेबस और एग्जाम पैटर्न। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग विद एग्जाम फाइटर नंबर 1। साथियों, अगर आप तैयारी भी करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़कर बिल्कुल मुफ्त में तीनों स्तर के टीचर की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कराई जाएगी, तीनों स्तर के एग्जाम्स की बिल्कुल फ्री में आप तैयारी कर पाएंगे। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी क्लासेस के वीडियो अपलोड करो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, और जो आपका क्लासेस होगा बिल्कुल सिलेबस जो आपका है उसी के अकॉर्डिंग होगा, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल टू द पॉइंट जो एग्ज़ाम में आएगा उन्हीं चीज़ों को कम समय में आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। आप अगर चैनल पर नए हैं और आप चाहते हैं कि फर्स्ट डे जो क्लास हो उसी समय से हम तैयारी आरंभ कर दें, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल बटन को क्लिक करें, क्योंकि आने वाले सप्ताह भर के अंदर यहाँ पर क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ।